यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और प्रख्यात समाज सेविका मेधा पाटेकर जी हमारे बीच में है। मेधा जी, मोदी सरकार ने नए कृषि कानून वापस ले लिए हैं और अब आंदोलन चल रहा है, इस बारे में आप बताइए। क्या बताऊं, आपने बता ही दिया। पर अब आंदोलन ने जो बताया वो सब आपने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वो लाभदायक कानून के बारे में किसानों को समझाने में वो कम पड़ रहे हैं। किसान मंद बुद्धि के नहीं है, किसान सुबुद्ध है। किसान मजदूर सभी जानते हैं कि वो कानून उनके लाभ लिए लाभ के नहीं थे। ये लाभ मुनाफाखोरी और जमाखोरी के द्वारा अडानी अंबानी क्या कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति उद्योगपतियों को, करोड़पति अब्जाधीशों को देने के कानून थे। तो मोदी जी को ही समझने में, समझाने में अगर हम कम पड़े हैं, उसका कारण उनके हित संबंध है और वो हित संबंध चुनाव में भी है, इसीलिए अभी उनको वो बैलेंस करना पड़ रहा है। नहीं तो उन्होंने पहले ही अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट्स कर चुके हैं, अडानी अंबानी साइलोस बना चुके हैं, उनके 11,000 मुकेश अंबानी के द्वार खुले हैं। किसानों के सस्ते में खरीदी हुई उपज बेचने में वो 1,000 करोड़ रुपया रोज का कमा रहे हैं। लॉकडाउन में भी उनकी संपत्ति बढ़ चुकी है। संपत्ति कर सही करो तो किसानों को MSP दे पाएंगे। मेधा जी, आप श्रमिकों के आंदोलन से जुड़ी रही है, ये श्रम कानून में संशोधन हुआ है, अब उसकी आगे क्या चलना है? आज हमारे असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय संगठन के साथी भी आए हैं। वो 2008 का जब कानून बना तब उसका मसौदा बनाने में हम भी शरीक थे और ऑस्कर फर्नांडिस जैसे श्रम मंत्री थे, लेकिन उसका अमल 2021 तक हुआ नहीं। और 2021 का अमल अभी जैसे किसान कानून राज्य सरकार के होते हुए भी मोदी जी ने अपने हाथ में लिए, वैसे ही वो कानून का अमल उन्होंने अपने ई श्रम कार्ड के द्वारा खुद के हाथ में लिया है। ये राज्य सरकारों ने समझ ना चाहिए था, एक साल में उन्होंने उस 2008 के कानून का अमल शुरू करना चाहिए था। पर अभी भी क्या हो रहा है, केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मतलब कितने लोग चलेंगे पैदल और कितने मरेंगे, इसका रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन क्या ये रिकॉर्ड है कि गरीबों का श्रम कितना है और गरीबों का ये कितना है, हक कितना है? देश जा कहां रहा है, देश इस हालात में जा कहाँ रहा है? नहीं, जे देश अभी देख रहा है, हम देखेंगे, हम देखेंगे। तो ये मेधा जी थी और इन्होंने न केवल किसान बल्कि श्रमिकों पर भी अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।